A very good morning, student. In our previous class, we have studied about the bases and its chemical properties. Now, in this class, we will study about the pH value. Firstly, we will discuss about what is pH value and who gave this pH value or pH scale. The scientist named Sorensen. एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन नेम के, उन्होंने पीएच वैल्यू को या पीएच स्केल को सबसे पहले दिया और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला. पीएच वैल्यू का क्या यूज़ था, हमारे लिए वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है पीएच वैल्यू या पीएच स्केल, इसके लिए सोरेनसन ने यह बताया कि कोई भी एक्वस सोल्यूशन यानी किसी सब्सटेंस को जब आप क्या करते हैं वाटर में मिला देते हैं तो बन जाता है उसका एक्वस सोल्यूशन. किसी भी एक्वस सोल्यूशन के नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए पीएच वैल्यू का या पीएच स्केल का यूज़ किया जा सकता है. यानी किसी सब्सटेंस का एक्वस सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, उसके लिए हम पीएच का यूज़ करते हैं. सोरेनसन ने यह बताया कि पीएच इज इक्वल टू निगेटिव लोगारिथम ऑफ एच प्लस कंसनट्रेशन. एच प्लस आयन की कंसनट्रेशन, देखिए ये जो ब्रैकेट है ये है, इसका मतलब होता है कंसनट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन. ठीक है, एच प्लस आयन की कंसनट्रेशन के नेगेटिव लोगारिथम को हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं. ठीक, ये बात उन्होंने बताई, आपको भी एज इट इज इसको लर्न करना होगा. ये ब्रैकेट जो है वो कंसनट्रेशन है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कंसनट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, और ये क्या है, निगेटिव लोगारिथम. तो पीएच वैल्यू इज इक्वल टू निगेटिव लोगारिथम ऑफ एच प्लस आयन कंसनट्रेशन. तो पीएच की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 14 तक रेंज करती है, 0 से लेकर के 14 तक रेंज करती है. तो इस इन वैल्यूज़ को मिला करके एक स्केल बनाया गया जिसको क्या कहा गया, पीएच स्केल. और पीएच स्केल में पीएच की वैल्यू 0 से लेकर के 14 तक रेंज करती है. तो ये बताया गया कि अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 7 से कम है यानी 0 से लेकर के अगर 6.9 तक है तो वो कहलाएगा एसिड. अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 0 से लेकर के 7 से कम है तो उसे हम क्या कहेंगे, एसिड. 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है मतलब 7 से लेकर के 14 तक है, तो वो कैसे नेचर का होगा, बेस होगा या बेसिक नेचर का होगा. और अगर किसी का पीएच कितना है, न्यूट्रल है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉरी पीएच 7 है तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा. तो इस तरीके से हम पीएच स्केल का यूज़ करके सब्सटेंस की नेचर को डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी सॉल्यूशन हमने लिया है वो कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है. बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है. अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिकेटर. इंडिकेटर वर्ड आया है इंडिकेट से, ठीक है. तो यानी किस चीज़ का इंडिकेशन हो या क्या इंडिकेट कर रहा है इंडिकेटर. तो इंडिकेटर कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, इंडिकेटर कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस की प्रेजेंस में अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, या फिर हम इसको दूसरी तरह से कहें जो एसिड और बेस की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं कलर चेंज करके, इसलिए इसे क्या कहा गया, इंडिकेटर कहा गया. तो इंडिकेटर आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच चेंजेस इट्स कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस. क्लियर है. तो अगर हम देखें हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं, लिटमस सॉल्यूशन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फेनोफ्थेलिन हो गया. तो देखिए लिटमस जो है वो पेपर के फॉर्म में भी होता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में भी होता है. तो लिटमस सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक कंडीशन में क्या होता है, ब्लू लिटमस कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर में, ब्लू लिटमस कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर में एसिडिक कंडीशन में. और बेस जो है वो क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा. बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा. तो इस तरीके से कोई एक आप याद कर लीजिए उसी का अपोजिट बेस हो जाएगा. जैसे आप एसिड का याद कर लिए, एसिड के केस में क्या होगा, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, तो बेस का उल्टा हो जाएगा, वो रेड लिटमस को क्या करेगा, ब्लू करेगा. इसी तरह से मिथाइल ऑरेंज होगा, मिथाइल ऑरेंज भी हमारा एक इंडिकेटर ऑरेंज कलर का होता है. तो एसिडिक सोल्यूशन में वो ऑरेंज से हो जाता है क्या, रेड. अगर आप एसिड के एक दो ड्रॉप डालेंगे मिथाइल ऑरेंज में तो वो ऑरेंज से हो जाएगा रेड, और अगर बेस की एक दो ड्रॉप डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा. इसी तरह से फिनोफ्थलीन, देखिए यहाँ पर हम एल की प्रोनंसिएशन नहीं होती है, एन को साइलेंट रखा जाता है, ये है फिनोफ्थलीन. तो फिनोफ्थलीन कलरलेस नेचर का होता है, तो वो एसिडिक में सॉल्यूशन में तो कलरलेस रहेगा और बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा,
पिंक हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पर अपना कलर चेंज कर रहे हैं, इसीलिए क्या है इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हो गया नेचुरल इंडिकेटर और एक हो गया ओल्फैक्टरी या सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जो नेचर से ऑब्टेन हो। तो लिटमस भी क्या होता है, एक तरीके की लाइकेन या एल्गी से हमें मिलता है, तो उसका प्रेजेंस हमने बता ही दिया। टर्मरिक, टर्मरिक को क्या कहते हैं हल्दी, टर्मरिक हमारे सभी के घरों में होती है, येलो कलर की होती है। तो टर्मरिक जो है वो एसिड के प्रेजेंस में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं दिखाती है, लेकिन जैसे ही वो किसी बेस के कॉन्टैक्ट में आएगी उसका कलर येलो से रेड हो जाएगा। जैसे ही वो किसी बेस के कॉन्टैक्ट में आएगी वो येलो से क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप टर्मरिक का भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से आप टर्मरिक का भी यूज़ कर सकते हैं एज ए इंडिकेटर। आप क्या करें, येलो से वो क्या हो जाएगी, जो इंडिकेटर टर्मरिक जो है वो येलो से क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। इसी तरह से रेड कैबेज जूस होता है उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, रेड कैबेज जो होता है वो रेड कलर का होगा, उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं यानी उसका जूस निकालते हैं जो कि क्या होगा रेड कलर का होता है। तो रेड कैबेज जूस जो है वो एसिड में किसी तरह का कोई कलर चेंज नहीं करता है, लेकिन बेस की प्रेजेंस में वो हो जाता है रेड से ग्रीन, यानी रेड कैबेज जूस जो है वो बेस की प्रेजेंस में रेड से क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह से कुछ फ्लावर हैं जैसे हाइड्रेंजिया है, पिट्यूनिया है, जिरेनियम है, इन सब के जो ये जो फ्लावर हैं इन सब के पेटल्स एसिड और बेस के कलर, एसिड और बेस की प्रेजेंस में कलर को चेंज करते हैं। जैसे हाइड्रेंजिया जो है वो बेसिक सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू से कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, जबकि एसिड सॉल्यूशन में किसी भी तरह का कोई भी चेंज शो नहीं करता। तो इस तरीके से नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए। देखिए अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है वो स्मेलिंग इंडिकेटर्स हैं, यानी वो एसिड और बेस की प्रेजेंस में उनकी स्मेल में चेंज आ जाता है। तो देखिए आपको पता है कि ओनियन की एक अपनी स्पेसिफिक स्मेल होती है, ओनियन की एक स्पेसिफिक स्मेल होती है। अगर ओनियन का जूस निकाल लें ठीक है, और अगर हम उसमें एसिड की एक दो ड्रॉप डालें तो उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन अगर हम उसमें बेस की कोई एक ड्रॉप डालें ऐसे NaOH डाल दें तो उसकी स्मेल आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। यानी अब आप क्या करें, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कैसे हैं, ये अपनी स्मेल को चेंज करके एसिड और बेस की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं। यार अगर ओनियन में आप क्या डालें, एक दो ड्रॉप बेस डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओनियन की जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। इसी तरह से वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला का जूस निकालें, वनीला का एक्सट्रैक्ट निकालें तो उस केस में क्या होता है, वनीला की अपनी प्लीजेंट स्मेल होती है, तो एसिड के प्रेजेंस में उस प्लीजेंट स्मेल में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन जैसे ही बेसिस के एक या दो ड्रॉप उसमें डाले जाएंगे तो उसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास में हमने पढ़ा था पीएच वैल्यू के बारे में और इंडिकेटर्स के बारे में। तो आई होप आपको पीएच वैल्यू और इंडिकेटर्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कल कुछ क्वेश्चंस हम आपको ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछ लेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।